Hvor var ikke takar? Tum, tum ne ye sab kiya? Bilkul maine hi kiya. Aur kaun kar sakta hai? Ab ye lo! Ya! Achha hua ki hum dono chalne se bach gaye, boss. Koi baat nahi. Zaruri ye hai ki ab Bobo Boy robot bilkul taiyar hai. Okay, bro. अब आखिरी टेस्ट शुरू करो। ठीक है बॉस, मून मेगा प्रोब। तुम मेरे आज तक के सबसे अच्छे रोबोट हो। थैंक यू सो मच बॉस। आखिरकार बोबो बॉय को बर्बाद करने का वक्त आ ही गया है। आइए बॉस। आप मेरे साथ आओ बोबो बॉट। अब हम अपने प्लान के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बनाई थी। बोबो बॉय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोबो बॉय। हाय, गुड मॉर्निंग। तुम तो पैंडा लग रहा है। आखिर बात क्या है बोबो बॉय, तुम ठीक तो हो ना? बात यह है कि कल रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया, क्योंकि जब भी मुझे नींद आने लगती मैं बोबो बॉय फायर में बदलने लगता। फिर से फायर बोबो बॉय में बदल रहे थे? हाँ, पर कल रात ऑटोबॉट मेरा ख्याल रख रहा था। आज रात पांचवी बार ऐसा हुआ। सुनो, तुम्हें शांत रहना होगा, इतना सोचो मत, नहीं तो तुम फायर बोबो बॉय पे काबू कैसे पाओगे? समझ में नहीं आ रहा है, मैंने जो भी नुकसान किया है वो सोचकर परेशान हो रहा हूँ। हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तो फिर किसकी गलती थी? मैं ही तो बोबो बॉय फायर हूँ ना। हे, जरा धीरे बोलो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि जो हुआ उसके पीछे तुम हो। क्या पता चल जाएगा? कौन किसके पीछे है, मुझे बताओ। कुछ नहीं पापा जोला। असल में मैंने ही सब लोग खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग इंसाफ के सर। गुड मॉर्निंग इंसाफ के सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब चलो सब बैठ जाओ। शुक्रिया है ना। तो फिर ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल का मैदान आग से पूरी तरह जल गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पीटी क्लास की जगह कोई और क्लास रखनी होगी। कैंटीन में आराम करने की क्लास? कुछ मत करो क्लास। उसकी जगह कौन सी क्लास है? तो बच्चों, मैं उसकी जगह रखूंगा, ध्यान से सुनो, सुन रहे हो ना, मैथ्स की क्लास। वाह वाह वाह, अब हफ्ते के हर एक दिन मैथ्स की क्लास होगी। हाँ, और एक और बात। क्या? एक और बात? हाँ, कुछ दिन पहले तुमने मैथ्स का टेस्ट दिया था ना, वो जहाँ सारे पेपर्स जल गए थे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बोबो बॉय, तो इसी वजह से तुम सबको फिर से वो पेपर लिखना पड़ेगा, वो भी अभी के अभी। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। इस बार मैथ्स का टेस्ट पहले से भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने हमें पुराना वाला पेपर ही क्यों नहीं दे दिया? शायद वो सच में हमें टेस्ट करना चाहते थे, क्वेश्चंस आसान होते तो क्या फायदा। हाँ बिल्कुल, सारे टेस्ट चैलेंजिंग है ताकि हम स्मार्ट बने। हाँ, जो भी हो, हमको तो सोच के चकरा रहा है। उड़ी बाबा। हे बुब बॉय, ये क्या है? ये जरूर अडूडू की चाल है। सच में इसमें लिखा क्या है? क्या तुम जानना चाहता है कि आग किसने लगाया? आओ और हमसे दोपहर 2 बजे इस पोस्टर में छपी हुई जगह पर मिलो, लेट मत होना, और हम बताएगा कि आग लगाने वाले की असली पहचान क्या है। हे, तुम्हें हो क्या गया है गोपाल? हम तो बस अरुण की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था।
ऐसा लगता है ये बोबो बॉय को बदनाम करने की अडूडू की कोई चाल है। पर हा? वो सारी आग मैंने ही तो लगाई है। हाँ, अच्छा है कि तुमने मान लिया। हे, अगर ये सच भी है तो अडूडू को कुछ मत बताओ, बोबो बॉय अपनी गलती मानकर सबसे माफ़ी मांग लेगा, है ना बोबो बॉय? कोई बात नहीं बोबो बॉय, सिर्फ एक ही तो पोस्टर है। पृथ्वी के सारे निवासियों को मेरा सलाम। आइए आइए देखिए कि कैसे हम उस मुजरिम का पता लगाते हैं। ये तो प्रोब है, वो शुरू करने वाले हैं। अडूडो को इसकी कीमत चुकानी होगी। फैंग, रुको। हे, अडूडो कहाँ है? हाँ, इंसाफ भी जानना चाहता है कि कौन है वो मुजरिम जिसने हमारे शहर को डरा कर रखा है। हाँ, सब्र कीजिए, हम अपने वीआईपी मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। अरे वो भी आ गए। हाँ? हाँ? इस सब का क्या मतलब है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी पहचान कराना चाहता हूँ अपने बॉस अडूडो से। ये देखिए, पहले मैं आने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप सब जानने को बेताब होंगे कि आग की घटनाओं के पीछे किसका हाथ है ना? है ना? हाँ, कौन है वो? हाँ, हमें उसे रोकना होगा। मुझे यकीन है कि आप में से किसी को भी उस मुजरिम का ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं होगा। वो इंसान जो आपकी कीमती चीजों के विनाश के लिए जिम्मेदार है, जिसने आपकी जिंदगी खतरे में डाली। हाँ, जल्दी बताओ। ठीक है, ज्यादा वक्त न गवाते हुए, वो मुजरिम जो शहर भर में बदमाशी कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि बोबो बॉय है। अब तो तुम गए बोबो बॉय, तुम गए। यही है आपका असली मुजरिम। ये सच नहीं हो सकता, बोबो बॉय नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लगता है वो सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना चाहता था और हम उसकी चाल में फंस गए हैं। ऐसा मत सोचना कि हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। ये लड़का मेरा स्टूडेंट है और ये एक अच्छा बच्चा है। ये सही कह रहा है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? तो तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, तुम खुद देख लो, ये आग लगाने वाला शैतान बोबो बॉय। ये तो बोबो बॉय ही लग रहा है, पर वो ऐसा क्यों करेगा? ये लगता तो बोबो बॉय जैसा है, पर इसमें कुछ तो अलग है। नहीं, ये बोबो बॉय ही है। पर ये बोबो बॉय की गलती नहीं है, वो करना नहीं चाहता था। बिल्कुल ठीक, वो इतनी ज्यादा टेंशन में आ गया कि वो फायर बोबो बॉय में बदल गया। उसकी गलती नहीं थी तो फिर इतनी चीजों को जलाने में किसकी गलती थी? किसकी गलती थी बताओ? चलिए एक बार और देखते हैं कि बोबो बॉय ने आग से क्या क्या करामात दिखाई। ये तो मानते हैं कि बोबो बॉय की मौजूदगी में सारे लोगों की जिंदगी खतरे में है। बहुत हो गया डूडू, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्यों ना ये बात हम खुद बोबो बॉय के मुंह से सुने। ओहा, हाँ, ये सच कह रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। हमने ये उम्मीद तो नहीं था। लड़का खतरनाक है। मुझे पता है आप सबको बहुत गुस्सा आ रहा है और बोबो बॉय ने आप सबको निराश किया। मैं खुद भी उसे सहन नहीं कर पाता, पर मुझे यकीन है कि ये पूरी तरह से बोबो बॉय की गलती नहीं है। अब ये क्या करना चाह रहा है? मुझे आप लोग गलत मत समझना, बोबो बॉय एक अच्छा इंसान है, वो बस दूसरों की मदद करना चाहता था और अपनी ताकतों से पृथ्वी को शैतान राक्षसों से बचाना चाहता था। अब हम सबको ये समझना चाहिए कि बोबो बॉय बहुत थक गया है और इस बात को समझे बिना वो गलती से बोबो बॉय फायर में बदल गया और हमारा इतना नुकसान किया। अगर वो फिर से बोबो बॉय फायर में बदल गया तो हमारा क्या होगा? इसकी बात तो सही है। क्या ये सच है बोबो बॉय? ये सच है पापा जोला। ऐसा लगता है आप सबको एक नए हीरो की जरूरत है, जो कभी नहीं थकेगा, जिसे खाने की जरूरत नहीं, जिसे आराम की जरूरत नहीं और सबसे जरूरी, जो कभी टेंशन में आके बेकाबू नहीं होता। एक नया हीरो, वो कौन होगा? तुम? कौन मैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपका हीरो नहीं हूँ। मैं आप सबके सामने पेश करना चाहूँगा एक सच्चा हीरो। तो देखिए, बोबो बॉय। मैं हूँ बोबो बॉट, सेवा में।
ये क्या चीज है? ये तो तुम्हारे जैसा ही लगता है बुबो बॉय। ये बुबो बॉट, मेरा सबसे नया रोबोट। इसे दूसरों की मदद करने के लिए ही बनाया गया है, ताकि ये पृथ्वी की रक्षा कर सके। यानी जल्द ही बुबॉय बॉट बुबो बॉय की जगह ले लेगा। अब तुमने हद कर दिया डूडू। शैडो टाइगर हमला, पंजे से हमला। तैयार हो जाओ बुबो बॉट। खतरा पहचान लिया गया है, मोड रक्षा करो। जमीन का हमला टू पॉइंट ओ। उसके पास मेरी ताकतें हैं। हाँ, इसके पास तुम्हारी सारी ताकतें हैं और ये तुमसे ज्यादा ताकतवर है। रुको मैं दिखाता हूँ। बुबो बॉट हमला कराओ। हुक्म मिल गया, मोड हमला, बिजली का हमला टू पॉइंट ओ। शैडो कवच। इससे पहले मैं तुम्हारे बुबो बॉट का कचरा बनाऊं, इसे रोक लो। तुम देख नहीं सकते कि मेरा बुबो बॉट क्या क्या कर सकता है। बुबो बॉट एक रोबोट की सिवा कुछ नहीं है, हम इसे खाने में बदल सकता है। कोशिश करके देख लो। ओह, हमारा ताकत को कम समझा है, खाने में बदल जाओ। बुबो बॉट तूफान, हवा का कवच टू पॉइंट ओ। तुमने मेरी कार को क्या कर दिया गोपाल? अब हम घर जा रहे हैं, हमको बहुत काम है। आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुमने जो किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओ, लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। हाँ, तुम सही कह रहे हो बुबो बॉट। उस मुजरिम का पीछा करो और अभी इसी वक्त उसे पकड़ के लाओ। बिल्कुल, आग नॉर्मल बनाओ, जोरदार हमला करो और उन्हें अपना असली रंग दिखाओ। बुबो बॉट तूफान हमला। भागो भागो, जल्दी करो। हमारा पीछा करना बंद करो। पृथ्वी की रुकावट, बिजली का हमला टू पॉइंट ओ। ओ नहीं, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। ये बुबो बॉट तो सच में मुजरिम को पकड़ लिया। देखा आपने, बुबो बॉट ने कितनी आसानी से मुजरिम को पकड़ा। मुझे जाने दो। गोपाल को छोड़ दो, बुबो बॉट जमीन का हमला। अब मेरा वार देखो। मत कीजिए, हम तो बस एक टीचर की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा, बुबो बॉय मुजरिम का साथ क्यों दे रहा है? क्या वो उसका दोस्त है? आओ, मुझे लगता है किसी भी स्थिति में बुबो बॉय दिमाग से कम जज्बातों से ज्यादा फैसला लेता है। हाँ, इसकी बातों से मैं सहमत हूँ, वो बस एक जरूरतमंद दोस्त की मदद कर रहा था। ये भी सच है। इसको कंफ्यूज करो बुबो बॉट, देखना वो हार मान लेगा। तुम बहुत कमजोर हो बुबो बॉय, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। क्या कहा तुमने? विनाशक मुक्का, बिजली की दौड़, बुबो बॉय जमीनी हमला टू पॉइंट ओ। तो फायर बुबो बॉय है। मैं हूँ धमालास्टिक।
अब और सहन नहीं होता, आपका हमला। ऐसा मत करो बबू बॉय, तुम्हें शांत रहना होगा। मुझे शांत रहना होगा? सब प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। आपका हमला। मजा आया ना? बॉस क्या आप ठीक है? नहीं, मैं बहुत घायल हो गया हूँ। प्लीज बोबो बॉट, लगता है वो बेकाबू हो रहा है। जल्दी करो और सबको बोबो फायर के गुस्से से बचाओ। ओके, ये काम मुझ पर छोड़ दो। लोगों को नुकसान पहुँचाना बंद करो। मुझसे उलझ के बहुत पछताओगे। अब ये लो। के लिए कि बोबो बॉट तुम्हारे जितना खतरनाक नहीं है। हाँ, सही है, बोबो बॉय के आग ने मुझे भी चोट पहुंचाई थी। ये सच है, इसकी तरह बोबो बॉट ने आग से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अभी अभी बोबो बॉट की काबिलियत देखी। वो न सिर्फ ताकतवर है और ज्यादा काबिल है, बल्कि उस बोबो बॉय के मुकाबले ये अपनी ताकतों पर काबू करना जानता है। ये मैंने क्या कर दिया? तुम ठीक तो है बोबो बॉय? अरे इस पल से दोनों बोबो बॉट और मैं लोकल सुपर हीरो सर्विस देंगे, जो 100% सुरक्षित है। सेवा में हाजिर, 100% सेफ। और मैं, मेरा क्या होगा बॉस? तुम हमारे लिए ड्रिंक्स बनाओ। मेरी ताकतें सबको खतरे में डाल रही हैं। ये रोबोट को बहुत ही अच्छा है, ये हमारी रक्षा करेगा। क्यों है ना धमाला स्टेक? हाँ,